my dear students, I am Poonam, your social science teacher from Raj International School. Students, we have already done the introduction of sultans. हमारे इंडिया में कौन कौन सुल्तान्स आए, किसने किसके खिलाफ युद्ध किया. तो मुरा राजपूत आए, ठीक है, चौहान आए, चहमनास जिसको हम कहते थे, आनंदपाल आए, खिलजी आए, तुगलक्स आए, ठीक है. हम इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले कर चुके हैं हमारी वीडियो वन में. आज हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, हायरार्की के साथ. सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये सारे ही स्लेव डायनेस्टीज से ये सारे रूलर्स थे. आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं. रूलर्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत चैप्टर, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत चैप्टर कर रहे हैं, आपको सभी को पता है. तो इसका जो सब हेडिंग सेकंड है उसमें बताया गया है रूलर कितने आए दिल्ली में, ठीक है. तो सबसे पहले आए राजपूत डायनेस्टी. राजपूत जो कि कहां से बिलोंग करते थे, दिल्ली एंड अजमेर से वो लोग आए और कहां पे राज किया, दिल्ली में. तो सबसे पहले कौन आया, तोमरा राजपूत था एक, आनंदपाल नाम था उनका, ठीक है. उन्होंने मेहरौली में कोट वॉल्स भी उन्होंने बिल्ड कर रखी थी. आपको पता है पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, किले बंदी करते थे, विच वी कॉल फोर्टिफिकेशन. ही हैज डन द फोर्टिफिकेशन, यू कैन गो एंड लुक. उन्होंने मेहरौली में कोट वॉल्स बना रखी हैं. सेकंड थिंग, आनंदपाल ने दिल्ली हरियाणा के रीजन में रूल किया है, ठीक है. यहाँ के एरिया भी इन्होंने कैप्चर कर रखा था, ये भी इनके शासन काल में था. देखिए दो चीजें होती हैं, रीजन क्षेत्र, रीन शासन काल, REIGN. When I'm talking about REIGN, it means I'm talking the reign of Rajput dynasty. Reign, उनका शासन काल कब से लेके कब तक आरंभ हुआ, खत्म हुआ, ठीक है. That is called reign. And region is different thing. Region बेटा, it means के अलग अलग part कौन कौन से थे, क्षेत्र कौन कौन से थे और जगह कौन कौन सी थी जहां पे उन्हें राज किया, जहां तक उनका एम्पायर या किंगडम एक्सपेंड था, ठीक है. दो चीजें समझ में आ गई, रीन एंड रीजन आर टू डिफरेंट वर्ड, ओके. एंड यू बेटर नो द रीन ऑफ दिस, ठीक है. एवरी डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द रीन, द किंगडम टाइम, द रूलिंग टाइम ऑफ दिस डायनेस्टी. सो तोमरा आनंदपाल आए थे, इन्होंने दिल्ली एंड हरियाणा के एरिया में क्या किया था, शासन किया था, रूल किया था, ठीक है. और मैरोली में क्या बनाई थी, कोर्ट वॉल्स बनाई थी. फिर आगे चहमनाज. चहमनाज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. चहमनाज बेटा कौन होते हैं, चौहान, जिनको चौहान्स कहते हैं, ठीक है. तो बेस्ट रूलर आप सभी को पता है ना, जब चौहान्स की बात होती है आपके जहन में, आपके माइंड में किसका नाम आता है, पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है ना. तो पृथ्वीराज चौहान, इनको पृथ्वीराज तीन भी कहते हैं, पृथ्वीराज थ्री मैं कहूं तो ऑब्वियसली मैं इनकी बात कर रही हूँ, पृथ्वीराज चौहान की बात कर रही हूँ. और आपको पता है ये बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी. बैटल ऑफ तराइन किसने करी थी युद्ध, घोरी ने, मोहम्मद घोरी ने युद्ध किया था पृथ्वीराज के साथ, ठीक है, 1192 में, और इनको हराया था, ठीक है. यहां तक समझ में आ गया, ठीक है. तो राजपूत आए, चौहान्स आए, चौहान्स मींस चहमनाज आए, एंड दैट टू अ वेरी पावरफुल रूलर दैट इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान मींस थ्री, ठीक है. अर्ली टर्किश रूलर्स, रीन आई हैव रिटन हियर, रीन मींस यहां से 1206 से लेके 1290 तक अराउंड 8 इयर्स इन्होंने शासन किया, राज्य किया, ठीक है, हमारे भारत में आके. तो सबसे पहले कौन आए अर्ली टर्किश रूलर में, सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक. आपको सभी को पता है इन्होंने किस चीज का निर्माण किया था, कौन सी मॉन्यूमेंट है इनसे लिंक का, कुतुब मीनार, इनके नाम से ही पता चलता है, ठीक है. और ये भारत में मुस्लिम शासन के जो मुस्लिम्स आए थे ना, सबसे पहले ये ही आए थे. मुस्लिम जो राज्य हमारे भारत में जो स्टार्ट हुआ वो इनके द्वारा ही स्टार्ट हुआ था, थ्रू हिम, ठीक है. एंड ही डाइड व्हेन वन डे ही वाज प्लेइंग पोलो, ही वाज सीरियसली इंजर्ड एंड ही इज इंजर्ड हिमसेल्फ अ लॉट. सो उस टाइम इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक अर्ली टर्किश रूलर,
मुस्लिम रूल रेन एज दिस, फोर इंपॉर्टेंट थिंग हो गई है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का आप हमेशा नाम सुनेंगे आगे भी हिस्ट्री की बुक्स में, ठीक है। इनके पास चार औलादे थी, ठीक है, चार बच्चे थे इनके, लड़के भी थे, लड़कियां, एक लड़की भी थी, ठीक है, रजिया, जिसको आप रजिया सुल्ताना के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इनके जो लड़के थे उनको इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतने एबल्ड नहीं थे या इतने एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड नहीं थे, तो इन्होंने किस अपनी थ्रोन, अपनी गद्दी, अपना अधिकार, सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर अपनी बेटी को दी, ठीक है, जिनका नाम क्या था, रजिया। किनकी बेटी थी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कितने बच्चे थे, चार, ठीक है। अब जब आपको पता है रजिया जब गद्दी पे आई तो वो एज अ राजा की तरह ड्रेसअप होती थी, ठीक है, एज पोशाक जो पहनती थी, अपने ड्रेस जो पहनते थे वो मेंस की तरह पहनती थी, ठीक है। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। जब हम कंट्रास्ट में इनके ब्रदर्स से देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थी, एक्सपीरियंस थी, जिसको कह सकते हैं कि हाँ सर्वगुण संपन्न, इनमें वो सारी क्वालिटीज थी जो एक दिल्ली सुल्तान में होनी चाहिए। बट बिकॉज आपको पता है आपका बैकग्राउंड किससे रिलेटेड है कि नहीं, महिला को अधिकार नहीं होना चाहिए, लेडीज को अधिकार नहीं होना चाहिए, तो इनकी प्रेज हुई। ऑल्दो शी गॉट सो मेनी प्रेज फ्रॉम डिफरेंट रूलर ऑफ द कंट्री, स्टिल शी वॉज थ्रोन बैक, इनको हटा दिया गया इनकी गद्दी से। वाई? जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खलजी डायनेस्टी। खलजी की तो आप सभी मूवी भी देखते हो, है ना, डांस करा है ना सबने डांस, खलजी वाला, तो वही वाले खलजी है इनकी जिनकी बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये देखिए। जलालुद्दीन खलजी। खलजी में सबसे पहले कौन आए खलजी डायनेस्टी में, सबसे पहले तो आप इसका रीजन रीन याद कर लो, शासन काल याद कर लो, ठीक है। खलजी में जलालुद्दीन खलजी सबसे पहले आए, और आपको जान के बहुत ही एक्साइटमेंट होगी और बहुत ही ज्यादा सुन के अमेजिंग लगेगा कि ये 70 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे, ठीक है। अब जब 70 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे तो ऑब्वियसली अपना जो शासन काल था वो इतना बड़ा नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद इन्होंने शासन काल किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इनको इन्होंने ही मारा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन को मारा था। 70 साल के थे, शासन चला नहीं सकते थे, ना ही इनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी हो रही थी, तो उन्होंने इनको मर्ड कर दिया था इनका, ठीक है। अपने आप को क्या मानते थे ये, अलेक्जेंडर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहते हैं, मैं तो दुनिया में राज कर सकता हूँ, मैं तो अलेक्जेंडर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, ठीक है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे इनको अपने बारे में, ठीक है। अभी दो शासक थे खिलजी डायनेस्टी में, ये 70 साल के थे, ये फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। इसके बाद कौन आए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी इज डन टिल हियर। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलकाबाद फोर्ट का नाम आपने सुना है, वो इन्होंने ही बनाया है, इस डायनेस्टी के लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे तुगलक डायनेस्टी में, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, इनके बेटे कौन थे, मोहम्मद तुगलक, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला है ना मैदान दिल्ली में, तो इनके ही नाम पे है वो, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी में तीन लोग आए थे। उसके बाद आ जाती है सैयद डायनेस्टी, ठीक है, इसमें है खिजर खान, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें ओनली एक ही पर्सन था खिजर खान। लास्ट में आती है बहलूल लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड लेट मी टेल यू, लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी इज ऑल्सो बिग नेम, इनसे भी बड़ा नाम है वो इब्राहिम लोधी, जो कि आप मुगल्स में पढ़ने वाले हो, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है क्यों नहीं किया है, वो आप नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल नाउ वी आर समिंग अप आवर लेक्चर टिल लोधी डायनेस्टी, ओके, एंड लोधी डायनेस्टी देर इज ओनली वन पर्सन, दैट इज बहलूल लोधी। इब्राहिम लोधी भी इससे ही बिलोंग करते हैं। इफ आई कैन आस्क यू, इब्राहिम लोधी इज फ्रॉम विच डायनेस्टी, ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम
लोधी डायनेस्टी. ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड दिस इज ऑल अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली. कैसे कैसे आए, राजपूत आए, चहमनास आए, टर्किश रूलर आए, खिलजी डायनेस्टीज आए, तुगलक आए, सैयद एंड लोधी. सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है, ये सभी स्लेव डायनेस्टी से थे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. एक दूसरे के स्लेव थे, उसने उसको मारा ऐसे. ठीक है, ऐसे इनका शासनकाल चलता रहा. जैसे कि ये 70 साल के थे, इनने इसको मार के मतलब बेनिफिट ले लिया इन्होंने एक दूसरे का. ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. आई होप ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कोई भी डाउट हो देन यू कैन कॉल मी बैक. थैंक यू सो मच.